हेलो गाइस, मेरा नाम डिजिटल गगन है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जब एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो आप उससे पहले काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को देख चुके होते हैं जिनके पास अच्छे अच्छे कैमराज होते हैं, अच्छे ट्राइपॉड्स होते हैं, अच्छे क्या कहते हैं माइक होते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स होते हैं, है ना, बहुत कुछ होता है। तो उनको देखकर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। YouTube के लिए सबसे ज़रूरी, जो सबसे बेसिक और सबसे पहले ज़रूरी होता है, वो होता है एक तो आपका YouTube पे डालने वाला कंटेंट क्या है, इंटरनेट आप सबके पास होता है और कैमरा आप सबके मोबाइल में यानी स्मार्टफोन के कैमरे से भी आप वीडियोस को शूट कर सकते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो आपको YouTube पे करनी चाहिए, आपको जब भी लगे कि मुझे YouTube पे सबसे पहली इन्वेस्टमेंट कोई करनी चाहिए, तो वो आपकी माइक की होनी चाहिए। जो आप माइक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले बढ़िया है। आप जब भी आपकी प्लानिंग हो, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका बजट ज़ीरो है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोस को शूट कर सकते हैं। वीडियोस को शूट करके आप सिंपली उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आपको लगे कि यस मुझे अब इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप सबसे पहले एक माइक के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम से कम है तो मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम 1000 रुपीज़ के आसपास जो माइक, जैसे कि मैं बोया M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसा एक माइक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आप इससे अच्छा माइक भी खरीद सकते हैं। इससे अच्छे माइक्स रोड के आते हैं, ठीक है, रोड से भी अच्छे माइक अगर आप देखें तो जूम के भी अच्छे माइक हैं, रोड के अच्छे माइक हैं, तो आप इस तरीके से उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम चलने लगे या फिर ऑलरेडी आपके पास बजट प्लान है तो आप कैनन 200D कैमरे से अपना शुरू कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कैमरा नहीं है तो भी चलेगा, आप अपने मोबाइल से वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं, राइट। और नॉइस कैंसलेशन के लिए या तो जगह ऐसी ढूंढिए जहां पर नॉइस कम से कम हो या ना हो, और दूसरी चीज या फिर कोई अच्छा सा माइक ढूंढ लीजिए जो नॉइस कैंसलेशन करता हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को शुरू कर सकते हैं। और जो भी YouTube चैनल का नाम रखें, कुछ ऐसा नाम रखें जो लोगों को याद रखने में आसानी हो, चाहे उन्होंने आपको चैनल को सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, बट वो कभी भी आपको YouTube पर ढूंढकर आपका कंटेंट देख सकें, क्योंकि ऐसा लोग करते हैं, राइट। कुछ लोग आपको फॉलो नहीं करना चाहते, बट यस वो आपको भूलना भी नहीं चाहते। तो कुछ इस तरीके का नाम रखें जो ब्रांड वैल्यू को आसानी से लोगों के बीच में वर्ड ऑफ माउथ से भी मार्केटिंग करे। तो ऐसा YouTube चैनल का नाम रखें और स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से करें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं मुझे YouTube चैनल शुरू करना है, तो जो भी टूल्स आपके पास हैं आप उसके साथ इस फील्ड में आ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपके ऊपर YouTube पे ज़्यादा प्रेशराइज आप नहीं फील करेंगे अगर आप इसके साथ साथ कुछ और काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं, इनमें से मैं भी एक हूँ। मैं पिछले 3 सालों से YouTube पे वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी तक मेरे को YouTube से कुछ भी नहीं मिला है, बट स्टिल मैं YouTube पे काम कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी काम है, जो मेरा सोर्स ऑफ वर्क है, वो कुछ और है। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा एक तरीके से पैशन है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, जिसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड इसीलिए मैं इस चीज़ को साथ साथ कर पा रहा हूं। बट अगर मैं पूरी तरह से YouTube पे डिपेंड होता, दो चीजें होती, या तो मैं इसके अंदर पूरी तरह से या बहुत ज्यादा घुस जाता, राइट, और दूसरी चीज या तो मैं कमा पाता या मैं नहीं कमा पाता। अगर मैं तब भी ना कमा पाता तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिए। और YouTube कहीं या सोशल मीडिया कहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बार आपने मेहनत करके कोई चीज़ बना दी और बनाने के बाद उसे अपलोड कर दी, वो 24/7 वो चीज़ आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, राइट। तो वो चीज़ कभी भी जाकर लोग देख सकते हैं। जैसे मेरी एक वीडियो आज से 1 साल पहले डाली थी, बट अभी भी वो चल रही है और उस पर सिर्फ 20,000 व्यूज़ हैं, कहने को 20,000 व्यूज़ हैं, बट मेरे लिए वो सबसे अच्छी वीडियोस हैं। और ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड होती जाती हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। मेरे चैनल पर अभी जितनी भी एंगेजमेंट है उसमें से भी मुझे कुछ लोगों की मेल्स आते हैं, कुछ लोगों के व्हाट्सअप आते हैं, कुछ लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, बिकॉज मैंने अपना नंबर यहाँ पर भी अपडेट करके रखा है। और आने वाले टाइम में मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube और Instagram के ऊपर कुछ फ्री जूम सेशन प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी वो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आप इन सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में और बेटर सीख सकें। तो मुझे यकीन है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ज़रूर रही होंगी। अगली वीडियो में फिर मैं किसी और टॉपिक पर आपके साथ बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम डिजिटल गगन है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।